तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि बीबीए एलएलबी कोर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। नहीं पता, मैं बताता हूँ, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका एक स्कूल ऑफ लॉ भी है। तो लॉ के कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। बीएलएलबी कोर्स की वीडियो मैंने लास्ट बनाई थी, अब ये बीबीएलएलबी स्पेशल वीडियो होने वाली है। हाय, मायसेल्फ हिमांशु, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी एक नई वीडियो में। तो महाराजा अग्रसेन से रिलेटेड जितनी भी एडमिशन प्रोसेस है, जो भी कट ऑफ है, प्लेसमेंट है, सारी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बीबीएलएलबी कोर्स के बारे में। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। तो देखो, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट एक काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, एंड इसके जो बाकी सारे कोर्सेज हैं उसमें तो ये काफी ज्यादा अच्छा करता ही है, बट लोगों के जो कोर्सेज है उसमें भी वन ऑफ द मतलब बेस्ट है। आईपीयू के जो इंस्टीट्यूट है उनमें से टॉप पे इसका नाम आता है। ठीक है, अब आईपीयू से एफिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया, बीसीआई एंड यूजीसी से अप्रूव्ड भी है। एंड अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो 2003 में स्टैब्लिश हुआ था एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एंड इसके अलावा रोहिणी सेक्टर 22 में लोकेटेड है। तो अब और क्या चाहिए, इतनी अच्छी आपको फैसिलिटी मिलेगी, रोहिणी जैसा आपको स्पेस मिलेगा, आपको कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी, बस यही एक कॉलेज लाइफ में चाहिए होता है। तो काफी अच्छा है हम बाकी सारी चीजों से रिलेटेड। एंड अब मैं बात कर लूं यहां की बीबीएलएलबी कोर्स के बारे में कि क्या बीबीएलएलबी कोर्स की फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसकी जो फीस है वो है 1,43,400 पर ईयर आपकी फीस रहने वाली है। 5 साल का ये टोटल बीबीएलएलबी का कोर्स होता है। एंड इसकी अगर एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताऊं, 50% से वो आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए, देन आपने क्लैट या फिर आईपीयूसीएट का एग्जाम दिया होना चाहिए, तब आप एलिजिबल यहां पे एडमिशन लेने के लिए। अब सबसे बड़ी परेशानी जाती है कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई चली जाती है, आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्लैट में इतना स्कोर नहीं आता या फिर आईपीयूसीएट में। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं या फिर आपने आईपीयू का फॉर्म वगैरह फिल नहीं किए, हां आईपीयू के फॉर्म फिल कर ले, अभी चल रहे हैं, बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपका एडमिशन ना हो पाए तो आप गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं, गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। यार अभी अपना एडमिशन बुक कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सएप लिंक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब करके अपना मतलब जो एडमिशन है वो बुक कर लें। देन आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट के बारे में, तो देखो एवरेज प्लेसमेंट इनकी 6.5-7 लाख के अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिल जाएगी। बट लो के स्टूडेंट्स हो आप तो आपको ये पता होगा कि आपको स्टार्टिंग में इंटर्नशिप्स के थ्रू ही आगे बढ़ना पड़ता है, मतलब मोस्टली केसेस में मैंने देखा कॉलेजेस में। बट इसकी तो फिर भी काफी ज्यादा अच्छी है। देन आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप आपको यहां पे मिलने वाली है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। एंड देन आपको यहां पे किसी का फाइनेंशियली वीक अगर मतलब है बैकग्राउंड तो वो आपको स्कॉलरशिप यहां पे जरूर मिलेगी। आईपी यूनिवर्सिटी आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से आईपी इतनी फेमस है। एंड हाँ, एक और चीज, अगर आप यहां पे पढ़ रहे हैं और आपका मतलब हर सेमेस्टर में आपने मेरिट आपके स्कोर है, अच्छा खासा स्कोर है, तो आपको आधी फीस तो वैसे स्कॉलरशिप के थ्रू वापस मिल जाएगी। तो दिस इज द बेस्ट मतलब मेरे को जो लगता है इनका। एंड इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं यहां की मतलब कुछ फैसिलिटीज के बारे में, तो देखो फैसिलिटीज आपको सारी मिलने वाली है यहां पे, लाइब्रेरी, कैंटीन, और यहां पे आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, जिमनेजियम, आपको ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई इनेबल कैंपस, एसी क्लासरूम्स। तो ये सारी फैसिलिटीज कितनी ज्यादा अच्छी है ना। तो जरूर एक बार अप्रोच करें आप इस इंस्टीट्यूट को, और गेट एडमिशन को अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, बाय।